अर्जुन की किसने की तारीफ, कहां तक पहुंची है फिल्म की तैयारी, कौन से प्रोजेक्ट में बिजी है हंसिका मोटवानी, पुष्पा द राइज पार्ट वन एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे सुकुमार द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। मुत्तु शेट्टी मीडिया के एसोसिएशन से मैत्री मूवी मेकर्स के नवीन यरनेनी और वाई रविशंकर द्वारा निर्मित फिल्म में अलू अर्जुन, फहद फासिल और रश्मिका मंदाना है। फिल्म के दो सिनेमैटिक पार्ट में से पहला प्लॉट आंध्र प्रदेश के रॉयलसीमा एरिया के शेष चीलम पहाड़ियों में लाल चंदन की स्मगलिंग पर बेस्ड है। आज हम बात करने जा रहे हैं सुपरस्टार अलू अर्जुन की आने वाली थ्रिलर फिल्म पुष्पा के बारे में। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। हंसिका मोटवानी ने तीन खास शब्दों में अलू अर्जुन की तारीफ की और उनका ये कमेंट निश्चित रूप से पुष्पा अभिनेता के फैंस का दिल जीत लेगा। दक्षिण की लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी, जिन्हें बिरयानी, अंबाला और अन्य फिल्मों में एक्टिंग की है, उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ बातचीत की। इस सेशन के दौरान हमने देखा कि एक फैन ने अभिनेत्री से अलू अर्जुन के बारे में कुछ कहने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, सबसे प्यारे, दयालु और सबसे मजेदार, मेरे पहले को एक्टर है वो। आला वेकंठापुर मालो अभिनेता ने बाद में इंस्टा स्टोरीज पर अभिनेत्री को धन्यवाद दिया। दिलचस्प बात यह है कि हंसिका ने अपना टॉलीवुड डेब्यू स्टाइलिश स्टार अलू अर्जुन के साथ देसम दूरू में किया, जो 2007 में रिलीज हुई थी। इसे पूरी जगन्नाथ ने निर्देशित किया था। इसी बीच अलू अर्जुन फिलहाल अभी अपनी आने वाली फिल्म पुष्पा के रिलीज के लिए कमर कस रहे हैं, जिसमें रश्मिका मंदाना भी मुख्य भूमिका में है। ये हिंदी सहित कई डब भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म का फर्स्ट लुक अभिनेता के 37th बर्थडे पर जारी किया गया था, जहां हमने स्टाइलिश स्टार को रो और देहाती अवतार में देखा था। इसे ऑफिशियल तौर पर 2019 अक्टूबर में हैदराबाद में लॉन्च किया गया था और शेष चलम के जंगलों में लाल चंदन की स्मगलिंग की बैकग्राउंड के खिलाफ स्थापित किया गया था। ये सुकुमार द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने पहले आर्या और आर्या 2 पर स्टार के साथ सहयोग किया था। फिल्म का पहला भाग क्रिसमस वीकेंड के दौरान स्क्रीन पर हिट होगा और बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान और करीना कपूर खान की लाल सिंह चड्ढा के साथ क्लैश करेगा। दूसरी ओर हंसिका मोटवानी की आने वाली फिल्म महा रिलीज के लिए तैयार है, जो मुख्य अभिनेत्री के रूप में उनकी 50th फिल्म है। फिल्म यू और जमील द्वारा लिखी गई है और निर्देशित भी है और प्रोडक्शन कंपनी एटसेट्रा एंटरटेनमेंट के तहत माथी असगन द्वारा निर्मित है। फिल्म में सनम शेट्टी, श्रीकांत, करुणाकरण और थम्बी रमैया भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। लोकप्रिय अभिनेता सिलम बरासन भी नेल बाइटिंग थ्रिलर में एक एक्सटेंडेड कैमियो भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म एक पेडोफाइल सीरियल किलर के इर्द गिर्द घूमती है, जो पुलिस ऑफिसर्स और जनता की नींद हराम कर रहा है। ये 15 अक्टूबर 2021 को स्क्रीन पर हिट होने वाली है। तो आप कितना एक्साइटेड है आने वाली सुपरस्टार की ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।